Then, अब हम बात करेंगे एम फेस की जैसे कि मैंने डायग्राम भी बनाया था अभी आपको सबसे पहले समझाया था जो हमारी फेसिस थी वो हमारी कैसे शुरुआत होती है जो साइटोकाइनेसिस शुरुआत होगी वो किस तरीके से होगी तो एम फेज में जो पहली फेज है ये चार फेज होती है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलो फेज तो पहली फेज होगी प्रोफेज तो प्रोफेज के बारे में जो फैक्ट्स हैं जो फैक्टर्स हैं वो मैं हाँ बताती हूँ आपको तो हम लोग इस बारे में बात करते हैं तो जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोफेज है ये प्रोफेज वन है इसमें क्या होता है कंडेंसेशन होता है मीन्स कि कंडेंस हो जाते हैं क्रोमेटिन मेटेरियल क्रोमेटिन मैटीरियल क्या है अनकोइल्ड स्टेज ऑफ द क्रोमोजोम क्रोमोजोम जो कोयल अनकोइल्ड स्टेज में पड़ा रहता है हमें मालूम नहीं है कि ये है क्या है ये क्रोमोजोम है क्या है वो है क्रोमेटिन मैटील तो कंडस और बढ़ता जाता है क्रोमेटिन मैटीरियल सबसे पहले प्रोफेस में और नंबर टू क्या होता है क्रोमोजोम मैटीरियल जो होता है बिकम अनचेंज ड ज्यूरिंग द्रो क्रोमेटिन कंडेंसेशन क्रोमेटिन कंडेंसेशन क्रोमेटिन मटेरियल तो बढ़ जाता है लेकिन क्रोमोजोमल जो मटेरियल है मतलब क्रोमोजोम जिस मटेरियल से बने हैं या पड़े हुए हैं स्टेज में वो उतना ही रहेगा ओके और सी फैक्टर है सेंट्रियोल अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज नाउट बिगिन टू मूव अपोजिट पोल सेंट्रियोल जो होता है वो अंडरगोन मीन्स डुप्लीकेशन के दौरान क्या हो जाता है अंडरगोन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन में चला जाता है डुप्लीकेट होना जरूरी है सेंट्रियोल को क्यों क्योंकि वो दोनों अपोजिट पोल्स पे जाना है उसको दो बन रहे हैं एक से उससे सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बनेंगे तभी तो वो अपोजिट पोल्स uh, पे जाएंगे ओके okay? तो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज नाउ बिगिन टू मूव अपोजिट पोल अपोजिट पोल्स पे नॉर्थ पे साउथ पे जो अपोजिट पोल होते हैं दोनों अपोजिट पोल्स पे दो सेंट्रोस बन जाएंगे अब क्रोमोजोल मटेरियल जो होगा वो कंडेंस्ड हो जाएगा टू फॉर्म माइटोटिक क्रोमोजोम अब जो क्रोमो ये क्रोमोजोमोल मटेरियल है वो क्या होगा कंडेंस तो हो ही चुका है अब उससे क्या होगा कि क्रोमोजोम का फॉर्मेशन क्रोमोजोम हल्के हल्के विजिबल होने शुरू हो जाएंगे क्रोमोजोम कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटेट क्रोमोजोम जो होंगे वो दो क्रोमेटिक्स उसमें मिले हुए होंगे टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर और वो एक दूसरे से किससे अटैच होंगे आ, एक आ, बीच में पार्टीशन होगा पार्टीशन मीन्स कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और इस तरीके से क्रोमोजोम अटैच होंगे जिसको हम क्या कहेंगे सेंट्रोमेयर कहेंगे इसको हम सेंट्रो मेयर कहेंगे क्रोमोजोम क्लियरली विजिबल इन साइड द न्यूक्लियस जैसे मैंने आपको बताया क्रोमोजोम क्या होंगे विजिबल होना शुरू हो जाएंगे अब ईच क्रोमोजोम डुप्लीकेट टू फॉर्म टू क्रोमेटेड एक जो क्रोमोज़ोम्स हैं वो दो क्रोमेटेड को फॉर्म करेगा एक क्रोमोजोम से डुप्लीकेट हो गया एक क्रोमोजोम बट गया डुप्लीकेट हो गया और उससे दो क्रोमेटेड बन जाएंगे ईच दो सिस्टर क्रोमेटेड अटैच टू तो सेंट्रोमेयर ये सिस्टर क्रोमेटेट्स एक ये है ये सिस्टर क्रोमेटेड है और एक ये सिस्टर क्रोमेटेड है ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के पास आ जाएंगे और एक क्रोमोजोम को बना देंगे ये इस तरीके से अटैच हो जाएंगे किससे अटैच होंगे ये सेंट्रोमेयर से दोनों दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होकर एक सेंट्रोकोम बना देंगे ओके और अटैच किससे होंगे सेंट्रोमेयर से ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर ये ई सेंट्रियोल सराउंडेड बाय रेडिएटिंग रेस कॉल्ड आस्टर आस्टर सेंट्रियोल जो होगा सराउंडिंग रेडिएटिंग रेस ई सेंट्रियोल जो सेंट्रियोल है वो क्या होगा कि बट ई सेंट्रियोल सराउंडेड बाई रेडिएटिंग रेस कॉल्ड आस्टर बात कर रहे थे अबाउट द टू सिस्टर अटैच टू सेंट्रोमेयर ये मैंने आपको बता ही दिया ई सेंट्रराड बाई कॉल्ड आस्टर जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है डायग्राम पे देखिए कि ये जो ऐसी आस्टर मीन्स रेज लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है दीज आर द इस तरीके से जो रेज दिखाई गई है दीज आर द आस्टर या आस्टर बनना शुरू हो जाएगा ई सेंट्रूल सराउंडेड बाई रेडिएटिंग रेस ये सेंट्रूल जो आस्टर से घिरा हुआ है इस रेडिटिंग रेस से घिरा हुआ है दिस इज कॉल्ड आस्टर नंबर ऑफ फाइबर्स एपियर्स बिटवीन टू डॉटर एंट्रियोज कॉल्ड स्पाइंडल फाइबर नंबर ऑफ नंबर ऑफ फाइबर्स फाइबर बिटवीन टू डॉटर सेंट्यूल कॉल द स्पैंडल फाइबर एंड नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेमब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज डिसेपियर एंड टूमोजुम स्टार्ट टू मूव टुवर्स द इक्वेटर यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट सेंट्यूल एक पहले यहाँ पे डिवाइड होना शुरू हुआ ये सेंट्यूल अब यहाँ पे क्या होगा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्यूल दो सेंट्यूल बन रहे हैं जो कि अपोजिट साइड में क्या होंगे मूव करेंगे ये सेंट्यूल अपोजिट पोल्स पर आएंगे ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे विद द आस्टर ओके okay? बात करेंगे सेकेंड फेज मेटाफेस की अब मेटाफेस में क्या होता है ये मैंने आप को लिखा है मेटाफेस में पहला तो है स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रो में सेंट्रोमेयर में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कनेक्टो कहते हैं और ये कानेटो किस लिए इस्तेमाल होता है क्रोमोजोम को क्रोमोजोम को अटैच करने के लिए डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो टू तो हेल्प द अटैचमेंट फॉर द क्रोमोजोम को एक अटैचमेंट देने के लिए कान्टो कोर्स होता है ओके डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमेयर पे कॉल दे एक्ट एज फॉर अटैचमेंट फॉर क्रोमोजोम जैसे मैंने बताया बी है ऑल क्रोमोज़ोम अटैच टू इक्वेटर जो आ, हमारे क्रोमोजोम है वो इक्विटर पे अटैच होने शुरू हो जाते हैं वन क्रोमेटेट ऑफ इस क्रोमोजोम कनेक्टेड बाई दिस कनेक्टो कोर्स एक क्रोमोजोम जो होता है जो कि डुप्लीकेट हो चुका है ना फेज में अब अटैच होना शुरू हो जाता है इस कनेक्टो कोर्स से ओके टू स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू एट सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो इसमें अटैच होने शुरू हो जाते हैं

गेट अलाइनमेंट झुकने शुरू हो जाते हैं मेटाफेस प्लेट थ्रो स्पाइंडल फाइबर स्पाइंडल फाइबर कितना तरफ वो हेल्प से इक्वेटर पे अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं इट इज द मेटाफेज अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज जो कि हमारी है थर्ड स्टेज एनाफेज माइट्रोटिस्ट की ओके तो इसमें पहला क्या है सेंटोमेयर नाउ डिवाइड्स इनटू टू क्रोमेटिड्स अब सेंटोमेयर भी डिवाइड होने शुरू हो गए फिर से क्योंकि डिवीजन होना है वहाँ पे डिवीज़न हो रहा है एक मदर सेल से टू डॉटर सेल्स मिलेंगी हमें तो सेंट्रोवेयर जो होते हैं सेंट्रो मेयर अब डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे और वो दो क्रोमेटेट्स बनाने की कोशिश करने लगेंगे अब नाउ क्रोमेटेट सेपरेटेड इनटू सिस्टर क्रोमेटेड नाउ क्रोमेटेट्स जो होंगे वो सिस्टर क्रोमेटेट्स बनाएंगे इसके बाद क्या होगा डॉन अपूवर्ड्स अपोजिट पोल्स दोनों क्या होंगे वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू करेंगे क्या सिस्टर क्रोमेटेट्स पुल्ड बाई शॉर्टनिंग ऑफ स्पाइंडल फाइबर स्पाइंडल फाइबर अब टाइट होना शुरू हो जाएगा टाइटनेस शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा ओके अब सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड ट्रोमेटेट सेपरेटेड सेंट्रोमेयर जो होगा उनका वो टूट जाएगा और जो सिस्टर क्रोमेटेट्स होंगे हो वो अलग हो जाएंगे अब क्या होगा क्रोमेटेड्स मूव टू अपोजिट पोल जब ये क्रोमेटेड्स जो होंगे अलग हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे तो अपोजिट वो अपोजिट पोल्स की ओर चले जाएंगे ओके इसके बाद क्या होगा सेंट्रोमेयर स्पल टू द पोल सेंट्रोमेयर कहाँ पे चला जाएगा ये जाएगा पोल्स की तरफ जाएगा हैंस अ लीडिंग स्टेज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम टेलिंग बिहाइंड ऐसा लगेगा कि कोई इनको क्रोमेटिड्स को आ, क्या कर रहा है ट्रेल कर रहा है खींच रहा है इस तरीके से ये शो होना लगेगा अब क्या होगा ए फरू स्टार्ट इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडिल एनिमल सेल में क्या होता है कि फरो बननी शुरू हो जाती है साइटोप्लाज्म में और जो प्लांट सेल होते हैं वहाँ पे प्लेट जो होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है साइटोप्लाज्म ओके टोट तो, साइटो प्लाज्मा बननी शुरू हो जाएगी ये मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे यहाँ पे दिखाया है मैंने इस डायग्राम में कि सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेटेड एंड स्टार्ट टू मूव अपोजिट पोल ये सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटेड जो हैं वो सेपरेट हो गए अपोजिट पोल्स की ओर जाना शुरू हो गए हैं अब साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है ये फरो एक बननी शुरू हो गई है और डिविजन बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा अब वो नेक्स्ट स्टेज में होगा अब हम चलते हैं जो हमारी मैटो ट की लास्ट स्टेज है वो है टीलोफेस टीलोफेस में क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैंने डायग्राम भी बनाया है पहले आप समझ लीजिए इसमें होता क्या क्या है पहला होता है क्रोमोजोम रिज टू अपोजिट पोल्स क्रोमोजोम अपोजिट पोल्स पे पहुंच तो गए हैं और बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं अपोजिट पोल्स पर और टर्न होते हैं एक अपने एक मास शेप में टर्न हो जाते हैं या डिकन्डेंस्ड हो जाते हैं और अपनी जो आइडेंटिटी है जैसे हम क्रोमोजोम को अभी तक देख रहे थे प्रीवियस स्टेज में वो हम नहीं देख पाते वो बिल्कुल एक मास स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं फिर इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन नॉट बी सीन

अपोजिट uh, पोल पे जाके क्रोमोजोम ने अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो, वो सब कुछ लूज कर दिया और डी एक मास के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं ओके okay, तो चिल्ड्रन uh, ये हमारी चार स्टेजेस थी जो कि माइटोटिस डिवीजन से रिलेटेड है ये चारों कंप्लीट हो गई जो कि सोमेटिक सेल्स में होता है डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स होते हैं जहाँ पर वहाँ पर ये डिवीजन होता है अब एनिमल सेल में क्यों क्योंकि प्लांट सेल में तो ये हेप्लॉड में भी होता है टिप्लॉड में भी होता है अब हम इसके बाद दूसरा जो सेल डिवीजन आपके चैप्टर में है वो है मियोसिस उस मियोसिस को लेंगे ओके